सो ये गाइस आ चुका मैं एक और नई वीडियो लेके। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, एंड तक जरूर देखते रहना। तो भाई आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जो सोलो रस जो भैया हैं उसकी जैसे आप थंबनेल कैसे बना सकते हैं। भाई उनके थंबनेल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल भी रहते हैं, एंड बनाने में भी बहुत आसान होते हैं। तो भाई आप उसको एकदम ईजिली बना लेंगे, लेकिन आपको बनाना कैसा वो आपको पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। भाई मेरा नाम है गौरजी गेमर, तो चलिए भाई हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो भाई आपको थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना पिक्सल ऐप ओपन कर लेना है, एंड ओपन करने के बाद भाई आपको जो न्यू टेक्स्ट है उसके ऊपर डबल क्लिक करके जो भी आपका थंबनेल का जो भी टाइटल है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। तो भाई मैं अपने थंबनेल का यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ। तो भाई लिखने के बाद मैं इसको एक लाइन पर ला लेता हूँ जिससे ठीक लगे, एंड इसको मैं उसमें ला लेता हूँ। एंड उसके बाद आपको ए वाली जो ऑप्शन दिख रही है उसमें जाके इसका आपका फॉन्ट ये वाली जो मैं बता रहा हूँ इसमें आपको क्लिक कर देना है, एंड ये वाली फॉन्ट आपको लगा देना है। एंड इसके बाद भाई आपको इसका शैडो इनेबल कर देना है। ये देख भाई शैडो इनेबल हो गया। एंड इसके बाद भाई आपको इसका स्ट्रोक भी दे देना है, एंड स्ट्रोक आपको देना है ब्लैक कलर का 2 में, ठीक है ये हो गया। उसके बाद भाई आपको प्लीज़ प्लस के ऊपर क्लिक करके फिर एक और टेक्स्ट ला लेना है, एंड इसका आपको जो आपका और जो एक और लाइन के लिए जो आपका थंबनेल का टाइटल है उसको लिख दे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो आप लिख दे। एंड इसको भी जैसे आप पहले वाले टेक्स्ट को किए वैसे इसको भी कर दे, वही वाले वो दे दे फ्रंट एंड शैडो एंड स्ट्रोक दोनों आप इसको दे दे, एंड स्ट्रोक का साइज आप 2 ही रखें हमेशा। एंड भाई उसके बाद आप इसको ट्रांसपेरेंट करके सेव कर दें। तो भाई इसके बाद आपको अपना PSCC ओपन कर लेना है, बाकी सबका PSCC में है। जैसे ही आप PSCC ओपन करें आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेनी है, इसकी साइज आप देख लो क्या रखनी है। तो भाई इतना करने के बाद आपको ओपे कर लेना है, एंड यहाँ से आपको एक न्यू रियल ले लेना है जो भी आपके बैकग्राउंड की PNG उसको आपको यहाँ पर ला लेना है। कौन सा वाला लूँ, हाँ ये वाला हम ले लेते हैं। एंड इसके बाद आपको इसकी ओपेसिटी कम कर देनी है, एंड इसको ट्रांजिशन में जाके इसको आपको अच्छे से जो वाइट वाली बैकग्राउंड है उसके ऊपर आपको इसको अच्छे से ला लेना है, एंड एक साइड में इसको आपको अच्छे से रख देना है जिससे आपका टेक्स्ट आप रखें तो एक साइड में रहे, टेक्स्ट इधर उधर ना जाए। एंड इसके बाद इसको आपको ओपेसिटी फुल कर देना है। इतना करने के बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लें। एक्सपोर्ट करने के बाद आप इसको अपना लाइट रूम में ओपन करें, एंड यहाँ से जो मैं आपको प्रीसेट दूंगा उसको आप इसको इसके ऊपर अप्लाई कर दें। भाई आपको अपना एडोबी लाइट रूम ओपन कर लें, तो भाई मैं अपना एडोबी लाइट रूम ओपन करता हूँ। एंड भाई आपको मैं PNGs दूंगा उसको आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है, एंड जो आप अपना एक्सपोर्ट किए थे PSCC में उसको भी आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो भाई ये जो PNGs है भाई ये सौरभ भाई की है जिसको आप जानते होंगे कई लोग, तो भाई उनके चैनल को भी हेल्प कर देना, उनके हेल्प का जरूरत है, तो मेरे ज़्यादा ही अच्छे बंदे, लेकिन भाई मैं बता दे रहा हूँ ताकि मेरे को कॉपीराइट ना पड़े। उसके बाद भाई आपको अपने मेन लेयर पे आके इसका पेस्ट सेटिंग कर देना, वहाँ से आपको इसका कॉपी सेटिंग यहाँ पे पेस्ट सेटिंग। इतना होने के बाद देख सकते हैं भाई थंबनेल की लुक ही पूरी चेंज हो गई है। उसके बाद आपको इसको सेव टू डिवाइस कर देना है, एंड आपको फिर से अपना PSCC में चले जाना है। सो भाई यहाँ से आप जो अभी आपने एडोबी लाइटरूम में जो फोटो लाई थी एक्सपोर्ट करके उसको आपको PSCC में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद भाई आपको लेयर पे जाना है, एंड यहाँ से आपको जो अपना फॉन्ट जो आप पिक्सल लैब में बनाए थे टेक्स्ट उसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो भाई ये वाली मेरी फाइल है तो मैं इसको इम्पोर्ट कर देता हूँ, एंड भाई इसकी मैं थोड़ा साइज बड़े कर जाता हूँ, एंड इसको मैं अच्छे से अपने में एडजस्ट कर लेता हूँ। तो भाई मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अच्छे से। एंड भाई अगर आपको इसको अलग अलग करना है टेक्स्ट को, जैसे कि मेरा हाउ टू मेक थंबनेल को अलग कर देना है, एंड सोलो रस वाली लाइक सोलो रस इसको अलग कर देना है, तो इसको करने के लिए भाई सबसे पहले आपको जो भी सोलो रस जो नीचे वाली जो मेरे को लेयर है उसको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं सिलेक्ट कर लिया, उसके आप कट करके फिर वापस से पेस्ट कर देना। फिर भाई ये वाली जो लेयर है लेयर वो अलग हो जाएगी जो हाउ टू मेक थंबनेल वाली लेयर से, तो आप देख सकते हैं भाई दोनों अलग हो गए। उसके बाद भाई आपको अपने मन के हिसाब से इसको आपको एडजस्ट कर लेना है, एंड अच्छे से रख देना है। इतना होने के बाद भाई आपका थंबनेल अच्छे से पूरा रेडी हो जाएगा, एंड अब आप अपने यूट्यूब के थंबनेल में इसको डाल के बूम बम कर सकते हैं।
तो बस भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपको मिलता हूँ ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।